एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो हथियार तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वाहन जांच के दौरान दोनों अपराधी को पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के पी देवी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 9 देसी पिस्टल 7.65 mm का 23 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 2,250 रुपये नकद बरामद किया है। सिवान के तेज तराज SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के पी देवी मोड़ के पास से पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, तभी पुलिस ने दोनों व्यक्ति को धर दबोचा और उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 4 देसी पिस्टल और दूसरे व्यक्ति के पास से 5 देसी पिस्टल सहित 23 गोली मौके से पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल को जब्त किया। दोनों अपराधी से पूछताछ के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों अवैध हथियार के तस्कर हैं, जो कि अपराधियों को हथियार बेचने का काम करते हैं। गिरफ्तार दोनों अपराधी पर पूर्व में भी थानों में कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों अपराधी की पहचान हुसैनगंज के तेतरिया गाँव निवासी आलमगीर के पुत्र शेख हबीबुल्लाह और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सकरपाल निवासी उदयभान यादव के पुत्र राम प्रवेश यादव उप पहलवान के रूप में हुई है। यूपी के रहने वाले राम प्रवेश यादव उप पहलवान लखनऊ और अम्बेडकर नगर में आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद हथियार तस्कर में जुटा हुआ है, जिसे सिवान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके निशानदेही पर जाँच कर रही है ताकि इस गिरोह में शामिल अन्य तस्कर को भी पुलिस गिरफ्तार कर सके। इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी से अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस को मदद मिलेगी। कल दिनांक 13/12/23 को एक विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया था संध्या में। उसी क्रम में शहर में पी देवी मोड़ के पास से हमारे टाउन थाना प्रभारी सुदर्शन राम खुद ही चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में दो व्यक्ति को अलग अलग 2 मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 9 देसी पिस्टल, 23 गोली और दोनों मोटरसाइकिल जिसका उन्होंने अभी तक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है, 3 मोबाइल और उनके पास से 2,250 रुपया नकद बरामद किया गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनका नाम है शेख नजीबुल्ला, ये तेतरिया थाना हुसैनगंज के रहने वाले हैं और दूसरे हैं राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान, जो सकरापाला थाना लार जिला देवरिया के रहने वाले हैं। इनों के पास से कुल 9 पिस्टल और 23 गोली बरामद हुआ है और जैसा कि इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ पर बताया है कि ये लोग आर्म्स की तस्करी करते हैं और कहीं से आर्म्स खरीद के ला रहे थे और जितना भी लोग खरीदते हैं उससे दुगने दाम में जगह जैसा उन पर डिमांड ये लोग अपराधकर्मियों के भेजते हैं, तो उसी क्रम में ये लोग ला रहे थे और कल पुलिस के द्वारा इनको जाँच के क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इनसे बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस को अभी जांच चल रही है और उन पर पूछताछ भी की जा रही है। बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है कि कहां से स्रोत है और कहां जाना था, इस सारे बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और यह पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे इतने बड़े बरामदगी के बाद बहुत सारा इस पर अपराध नियंत्रण में सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो पहले से भी जेल जा चुका है दोनों का, पहले से आपराधिक इतिहास है। शेख नबीबुल्ला भी आम सेक्ट में जेल जा चुके हैं और राम प्रवेश यादव ने स्वीकार किया है कि ये उत्तर प्रदेश के कई कांडों में जेल जा चुके हैं, उनका संबंधित जिला से क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त किया जा रहा है और उसकी भी जांच की जा रही है। ये सब किसी गिरोह के हैं? ये लोग अवैध तस्कर हैं और बहुत सारी सूचनाएं दी हैं जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसका सत्यापन पुलिस कर रही है। इस संबंध में हमारे यहाँ STF में एक आम सेल गठित किया गया है जिसका उद्देश्य है कि जिले राज्य में कहीं भी अगर आर्म्स की बरामदगी होती है उसका गहन से पूछताछ किया जाए और स्रोत से लेकर इंड पॉइंट तक जहाँ ये लोग सेल करेंगे उसकी पूरी जाँच पड़ताल हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने STF को भी सूचित किया था, तो STF भी आकर इनसे पूछताछ की है और जो भी सूचना मिला है
उसे पुलिस पूरी संगठित तरह से अनुसंधान कर रही है। ये कहां से लेके आए थे और कहां जा रहे थे, ये इसकी जानकारी अभी इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारी सूचना इन्होंने दिया है जिस पर पुलिस को अनुसंधान करना है और जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों को प्रेस के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद कोई और बड़े इसमें लोग जो जुड़े हैं पकड़े जाएंगे, सारी बात अभी अनुसंधान में आप लोगों को फिर प्रेस के माध्यम से हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।